बजाज हमेशा से सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पर ज्यादा वर्कआउट किया है इनसाइड ऑफ फुली डिजिटल डोमिनार को छोड़ के। पल्सर सीरीज में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल ही आपको देखने को मिला है अभी तक अगर हम लोग बात करें तो। बाय द वे सीट देखें तो काफी अगर हम लोग देखें तो प्राइस इसका क्या आपको देखने को मिलेगा तो 1,00,000। आई एम हियर विद द अनदर अमेजिंग वीडियो और फाइनली बहुत टाइम बाद एक्चुअली एक महीना हो गया तब से मैंने वीडियो कुछ नहीं बनाई। बाय द वे हम लोगों ने फिर से जो लास्ट टाइम अप्रॉक्स 1.5 साल हो गया था उस चीज़ को 365 डेज का चैलेंज आज फिर से करेंगे। बाय द वे हियर इज द N160 विद द वाइट कलर, ये चौथा कलर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अभी तक हम लोगों के पास कैरिबियन ब्लू, ब्रुकलिन ब्लैक और रेसिंग रेड कलर था N160 में। अभी रिसेंटली बजाज ने एक और कलर अपडेट कर दिया N160 में जो कि हमारे सामने ये वाइट कलर खड़ा है। ब्रुकलिन ब्लैक आप लोगों ने देखा होगा जो कि हम लोगों का ऐसा दिखता है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है एक्चुअली। तो इस हिसाब का कुछ कलर हम लोग को देखने को मिलता है और देखा जाए तो धूप में जिस हिसाब से मैं अभी धूप में खड़ा हूँ, बहुत गर्मी एक्चुअली, हाँ तो जिस हिसाब से मैं धूप में खड़ा हूँ तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ, बाय द वे कैमरा अगर सही से जज कर रहा होगा तो ठीक है, वरना अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा चमक रही है और थोड़ा बहुत रेड का भी इस्तेमाल किया गया है। अगर हम लोग देखें तो थोड़ा बहुत रेड का भी इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे दो वेरियंट आपको देखने को मिल जाते हैं, एक सिंगल एक डुअल चैनल। बाय द वे यहाँ पे हमारे साथ डुअल चैनल है और इसी के साथ साथ 100 सेक्शन इज़ इन फ्रंट और 130 सेक्शन एट द रियर। आपको टायर्स देखने को मिलते हैं जो हम लोगों के वो हैं रेडियल और इसी के साथ साथ 17 इंचेस के आपको अलॉय साइज भी देखने को मिल जाता है। 795 mm की सीट हाइट और 165 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और 164 kg का कर्व वेट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ 164 cc का इंजन, 14 L की टैंक कैपेसिटी और तो और अगर आगे हम लोग बात करें तो 15 HP और 14 Nm का टॉर्क आपको इस पूरी मोटरसाइकिल में देखने को मिल जाता है। ये हमारे कुछ स्पेक्स थे। बाय द वे आपको एयर कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं 160 cc में। एनीवे यहाँ पे हम लोगों को E20 कंप्लायंट इंजन इसमें देखने को मिलता है जो कि हम लोग के 1 अप्रैल 2023 से हर मोटरसाइकिल में E20 होना मस्ट है, ये हम लोग को कर दिया गया है। बाय द वे N150 भी आने वाली है इसी वाइट कलर में जो कि N160 और P150 का हाफ है अगर हम लोग देखें तो। बाय द वे यहाँ पे स्प्लिट सीट भी देखने को मिलती है, पल्सर की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर कुछ आपका हिसाब से देखने को मिलता है, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिलता है। रीज़न बजाज हमेशा से सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पर ज़्यादा वर्कआउट किया है इनसाइड ऑफ फुली डिजिटल डोमिनार को छोड़ के। पल्सर सीरीज में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल ही आपको देखने को मिला है अभी तक अगर हम लोग बात करें तो। बाय द वे सीट देखें तो काफ़ी फर्म्ड है, रियर सीट भी अच्छी है बट फ्रंट सीट थोड़ी ज़्यादा फर्म्ड है और रियर सीट इतनी खास फर्म्ड नहीं है। हर मोटरसाइकिल का ज़्यादातर यही रहता है, फ्रंट सीट फर्म्ड रहेगी, रियर सीट इतनी भी फर्म्ड नहीं रहेगी, बट इट्स ओके। और पहले इस हिसाब से दिखाते हैं बाइक, कुछ इस हिसाब की हम लोग की बाइक देखने में लग रही है और काफ़ी ज़्यादा देखे तो यूनिक लग रही है देखे तो। और इसी के साथ साथ यहाँ पे देखे तो अंडर बैली एग्जॉस्ट भी आपको देखने को मिल जाता है, 5 स्पीड की मैनुअल गेयरबॉक्स आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और माइलेज के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो अप्रॉक्स 40 से 45 km/L का माइलेज ये मोटरसाइकिल क्लेम कर देती है। बाकी यहाँ पे सारी गार्ड कुछ आपका देखने को मिल जाता है और रियर थोड़ा सा रीडिज़ाइन पल्सर की जो ऑलवेज थीम रही है रियर लाइट की, तो उसकी थोड़े सा रीडिज़ाइन कुछ किया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पिलियन फुटरेस्ट कुछ हिसाब का है और राइडर का फुटरेस्ट कुछ हिसाब का है और यहाँ पे इस हिसाब का कुछ लेग गार्ड देखने को मिल जाता है। बाकी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एट दी फ्रंट एंड दी मोनोशॉक सस्पेंशन इज एट दी रियर। तो इस हिसाब का कुछ पूरी मोटरसाइकिल है। बाकी हम लोग को देखें तो इधर साइड आपको इंजन काउल कुछ देखने को मिल जाता है, हार्ड प्लास्टिक का है ठीक है, बट ये वाला जो प्लास्टिक है जो ग्लॉसी में थोड़ा सा लो क्वालिटी का है, बाकी ये वाला तो हार्ड प्लास्टिक का, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसी के साथ साथ यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी हम लोग को देखने को मिल जाता है, मीटर के बाद दिखाएंगे। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल है जो कि पल्सर सीरीज में ज़्यादातर सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल बजाज देती आ रही है। इसी के साथ साथ अगर फुली डिजिटल चाहिए तो डोमिनार में जाइए। खैर यहाँ पे हम लोग देखें तो टर्न इंडिकेटर्स और यहाँ पे जो कि इतने भी हम लोग के बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं इस बार तो मोर एड ऑन कर दिए गए, लाइक इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिलता है। बाकी यहाँ पे मोड बटन हम लोग को देखने को मिल जाती है, जैसे इधर दिखाते हैं मोड बटन, ट्रिप 1 मीटर, ट्रिप 2 मीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी और ओडोमीटर, डैट सेट। और यहीं बढ़ेंगे एडवांस फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप 1 मीटर, एडवांस फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप 1, डैट सेट। तो इतना ही कुछ देखने को मिलता है, बाकी टाइम देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग को टैकोमीटर देखने को मिल जाता है, इसके साथ साथ लो फ्यूल इंडिकेशन, इंजन चेकलाइट वार्निंग, बैटरी इंडिकेशन, हाई बीम, RPM लिमिट लाइट, ABS इंडिकेशन, टर्न इंडिकेटर्स, न्यूट्रल, डैट सेट। इतना ही कुछ हम लोग को इस पूरी मोटरसाइकिल में देखने को मिल जाता है। एक बार साउंड भी सुनाएंगे। बाकी फ्रंट लुक जो हम लोग का है कुछ इस हिसाब का देखने को आपको मिल जाता है, इस हिसाब का कुछ फ्रंट लुक देखने को मिल जाता है, बढ़िया यूनिक है। और एक बार न्यूट्रल करके इसकी साउंड भी हम लोग सुना देते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद हम लोग वीडियो ओवर कर देंगे। राइट, तो एक बार न्यूट्रल कर दें, हो गया।
साउंड काफ़ी बेसी है, काफ़ी मज़ेदार है। मैं ज़्यादा रेव नहीं करूँगा क्योंकि बाइक एकदम न्यू है और इंजन फुल्ली न्यू है, तो मैं ज़्यादा रेव नहीं करूँगा। तो इसी हिसाब की कुछ पूरी मोटरसाइकिल है। टॉकिंग अबाउट द प्राइस, तो क्या आपको प्राइस देखने को मिलेगा? इसी के साथ साथ ये बता दूँ, जिस जगह मैं वीडियो बना रहा हूँ सोसाइटी मोटर्स कानपुर है एज ऑब्वियस, तो अगर हम लोग देखें तो प्राइस इसका क्या आपको देखने को मिलेगा, तो 165,000 ऑन रोड आपको इस पूरी मोटरसाइकिल का प्राइस देखने को मिल जाएगा। अगर और कुछ जानना है तो आप वो शोरूम आके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। बाकी हम लोग यहाँ से वीडियो एंड करते हैं, तो साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।